क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखा है ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट दी गई है आपको, यहाँ पर कैपिटल है ए बी सी, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेप्टर्स, कैश एट बैंक। नेक्स्ट लिखा है अप्रैल 1, 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 1:3। फॉर दिस पर्पज द गुडविल वर एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 4,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 20%। कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट विल बी ओपन। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। आपको करनी है यहाँ पर जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में फॉर्मेट आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर ओल्ड रेशो ए बी सी। जो ओल्ड रेशो लिखा हुआ है वो है 2:1 और न्यू रेशो है ए बी सी का 1:3। तो सेक्रीफाइस और गेन फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू रेशो है 1/6। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आता है 7/30 प्लस में आता है, इसलिए सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड माइनस न्यू, ये सॉल्व करने के बाद आता है 2/30 सेक्रीफाइस। सी का ओल्ड रेशो है 1/5, न्यू है 3/6, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 9/30। इस क्वेश्चन में जो आपको गुडविल दी गई है पूरे फर्म की वो 4,50,000 है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में 7/30, 1,05,000, 4,50,000 का 2/30, 30,000 और सी का 4,50,000 का 9/30, 1,35,000। तो आप इसमें करेंगे गेनर डेबिट होता है, यानी कि सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये पहले नंबर की एंट्री जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से आई है। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर एंट्री जो है क्वेश्चन में लिखा है लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व 40,000 का है, तो वो 40,000 का जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। यानी कि जनरल रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट, और जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसे कर देंगे डेबिट, जब उसे ट्रांसफर करेंगे तो उसे कर देंगे डेबिट। यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में जो कि ओल्ड रेशो है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपकी बुक का, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 20%। कि लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज होना। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 3 लाख का था, 3 लाख का 20% इंक्रीज हुआ, तो 3 लाख का 20% होता है 60,000। यानी कि लैंड हमारी इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज होने के केस में लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपको यह देखना है कि भाई हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि रिवैल्यूएशन की एंट्री सिर्फ एक ही है और यहां पर रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट है। तो आपको प्रॉफिट हो गया 60,000 का, और वो 60,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो में जब बांटेंगे तो प्रॉफिट की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इस 60,000 को ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा जो कि है 2:1, और ये आते हैं 24,000, 24,000 एंड 12,000। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। यह एंट्री समझने से पहले आपको समझना होगा एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे आया। तो बच्चों हमारे पास पहले ए के पास जो कैपिटल थी क्वेश्चन में, कैपिटल 2 लाख थी। इसके बाद 1,05,000 है, जो सबसे पहले नंबर की एंट्री हमने की थी वहां पे टू एज कैपिटल 1,05,000 है, और जो आपने सेकंड नंबर की एंट्री की वहां पर ए के पास 16,000 रुपए हैं और 24,000 आए हैं जो लास्ट जो फोर्थ नंबर एंट्री थी, जो चौथे नंबर पर एंट्री थी वहां से आए हैं 24,000। तो टोटल हो जाता है 3,45,000। बी के पास पहले 1,50,000 कैपिटल थी जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में है। 30,000 रुपये पहले नंबर की एंट्री से आए हैं बी के पास, और 16,000 रुपये सेकेंड नंबर एंट्री से, और 24,000 फोर्थ नंबर एंट्री से, तो ये 2,20,000 हो गए।
सी के पास पहले बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में 90,000 रुपये थे और पहले नंबर की एंट्री में सी डेबिट में लिखा हुआ है 1,35,000, तो इसलिए माइनस किया गया। सेकंड नंबर एंट्री से ये 8,000 रुपये आए जो जनरल रिजर्व के थे। इसके बाद 12,000 रुपये ये वो हैं जो प्रॉफिट हुआ है फोर्थ नंबर एंट्री में, यानी कि ये माइनस के 25,000 बैठते हैं। तीनों का टोटल होता है 3,45,000 प्लस 2,20,000 माइनस के 25,000, यानी कि 5,40,000 आता है। अब रिक्वायर्ड कैपिटल हमें कितनी चाहिए? ए के लिए 5,40,000 का 1/6 जो न्यू रेशो दिया है 1:3 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5,40,000 का 2/6 और सी के लिए 5,40,000 का 3/6 यानी कि 2,70,000। अब आप ध्यान दें, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो 3,45,000 थी इसके पास यहां से, और बी के पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है 2,20,000 थी और सी के पास 25,000 रुपये माइनस में थे, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है ये। और रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी चाहिए? ए को चाहिए 90,000, बी को चाहिए 1,80,000 और सी के पास रिक्वायर्ड गुडविल चाहिए 2,70,000। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल ए के पास इतनी है और रिक्वायर्ड इतनी चाहिए, यानी हमें उस वापस कर देंगे, उसे ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है, तो ये क्रेडिट होगा। ऐसे ही 2,20,000 एग्जिस्टिंग है और रिक्वायर्ड है 1,80,000, तो 40,000 रुपये यहाँ भी हमें ट्रांसफर करने होंगे करंट अकाउंट में, तो ये भी क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ पे इसके पास एग्जिस्टिंग कितने थे? 25,000 माइनस के, लेकिन इससे रिक्वायर्ड कितने चाहिए हमें? 2,70,000, तो इससे इतने रुपए हमें लेने पड़ेंगे, ये लेकर के आएगा, यानी कि 2,95,000। अब एंट्री आप ध्यान देंगे, सबसे पहले ए वाली एंट्री यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है करंट में, तो आप क्या कर देंगे? एज कैपिटल डेबिट टू एज करंट, सेम ऐसे ही यहां पर बीज कैपिटल डेबिट टू बीज करंट, और यहां पर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2,95,000। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन करते हैं, और इसमें लिखा है ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर 2,00,000, जनरल रिजर्व 1,20,000, कैपिटल ए बी सी की लिखी है 3,00,000, 1,50,000, और यह आ जाता है 8,70,000। एसेट्स में प्रीमिसेस 3,00,000, मशीनरी 180, स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 2,50,000, बैंक 20,000, टोटल 8,70,000। फ्रॉम 1 April 2017 द पार्टनर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:33 एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000 है। सेकेंड पॉइंट है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 4%। थर्ड, सन्डरी क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय 15,000। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, गुडविल ऑफ द फर्म 48,000। आपको बनाना है रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का, और सबसे पहले यहां जो प्रिपेयर करना है आपको वो रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चीज आपको इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करनी है। तो रिवेल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से रिवेल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, और यहां पर भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है। तो सबसे पहले रिवेल्यूशन अकाउंट में आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, कि एसेट्स का डिक्रीज होना लेफ्ट साइड और एसेट्स का इंक्रीज होना राइट साइड, लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना लेफ्ट साइड और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना राइट साइड, ये है इसमें सिर्फ रिवेल्यूशन अकाउंट में। अब सबसे पहले जो आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएट बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। यहां पर स्टूडेंट्स जो आपकी प्रीमिसेस लिखी हुई है वो 3,00,000 है और 3,00,000 का 10% 30,000 इंक्रीज हुआ है, तो आप लिखेंगे इधर बाय प्रीमिसेस 30,000 एंड स्टॉक इंक्रीज बाय 10,000, तो स्टॉक का आप लिखेंगे यहां पे 10,000 रुपए। एंड सेकंड पॉइंट आपका लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स 4%, यानी कि 4% डेटर्स पर है, तो डेटर्स हमारी यहां
डिक्रीज हुए यहां पर, तो डेटर्स 4% डिक्रीज हुआ और डेटर्स की वैल्यू है आपकी 2,50,000। तो 2,50,000 का 4% होगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2,50,000 का 4% 10,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रेडिटर्स भी रिड्यूस बाय 15,000, कि क्रेडिटर्स आपके 15,000 रुपए से रिड्यूस हो गए। तो क्रेडिटर का रिड्यूस होना आप यहां लिखेंगे, यानी कि डिक्रीज होना, और वो अमाउंट है 15,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मशीनरी विल बी डेप्रिशिएट बाय 5%। मशीनरी 5% से डेप्रिशिएट हुई और मशीनरी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 1,80,000 है, और 1,80,000 का 5% होता है 9,000। तो आपकी यहां पे जो एसेट्स है, जो मशीनरी है, वो डिक्रीज हुई और 9,000 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका टोटलिंग करना है। टोटल आता है यहां 55,000, वही 55,000 यहां पे लिखेंगे, और इस 55,000 में से आप ये दोनों माइनस कर देंगे तो आपका 36,000 आ जाएगा। और ये 36,000 को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो 3:1 है, यानी कि आपसे 3:2:1 में बांट दोगे। और उसे बांटने के बाद आता है 18,000 ए कैपिटल और बी में 12,000 और सी में 6,000। तो ये आपका रिवेल्यूशन अकाउंट यहां पर भी हुआ। नेक्स्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं यहां पर, पर्टिकुलर्स ए बी सी तीन पार्टनर है, एंड पर्टिकुलर ए बी सी तीन पार्टनर है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल हमें बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दी गई है वो कैपिटल यहां पर आ जाए। तो आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जो कैपिटल दिया है वो 3 लाख फॉर ए एंड 1,50,000 फॉर बी एंड 1 लाख दिया है आपके सी के लिए। ये सबसे पहले ये लिखना है आपको। दूसरे नंबर पे इस क्वेश्चन के लाइबिलिटीज में आपको जनरल रिजर्व दिया है जो कि 1,20,000 है। उस 1,20,000 को भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि 3:1 में, और वो आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व 60,000, 40,000 एंड 20,000। जनरल रिजर्व भी आपका इधर ही आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व हमारा एक लाइबिलिटी है जो कि क्रेडिट होता है, और जब हम उसे ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बन जाती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। यानी एबीसी क्या बताया मैंने आपको, टू टू मीन्स क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में गए, राइट साइड इज द क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड, तो हमने यहां लिखा बाय जनरल रिजर्व और वो बांट दिया। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं रिवेल्यूशन। ये बच्चों जो रिवेल्यूशन है ये प्रॉफिट है जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये एज कैपिटल बीज कैपिटल जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि इसकी भी अपनी एंट्री होती है। और एंट्री क्या होती है इसकी, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। यानी पार्टनर को मैंने यहां पर क्या किया, क्रेडिट, टू मीन्स क्रेडिट, तो टू साइड में गए और वहां लिख दिया बाय रिवेल्यूशन अकाउंट 18,000, 12,000 एंड 6,000। इसके बाद नेक्स्ट है ये आप देख रहे हैं बाय सीज का, किस तरीके से आया ये पॉइंट मैं आपको भी समझाऊंगा किस तरीके से आया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बच्चों गुडविल दी गई है 48,000, जो आपको क्वेश्चन में दी गई है लास्ट की तरफ। आप निकालेंगे यहां पर सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो, तो ओल्ड रेशो क्या दिया है एबीसी का 3:1, न्यू रेशो क्या दे रखा है 4:3:3। आप यहां पे करेंगे ए के लिए ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 3/6 माइनस 4/10, और ये सॉल्व करने के बाद आता है 3/30 प्लस में आया तो ये क्या होगा सैक्रिफाइस। ऐसे ही बी का करना है आपको, बी में क्या दिया है 2/6 ओल्ड माइनस 3/10, और ये आता है 10-1 या आता है 1/30 सैक्रिफाइस। इसके बाद सी का करेंगे 1/6 ओल्ड रेशो और न्यू रेशो 3/30, सॉल्व करने के बाद आता है 4/30, ये गेनिंग है। अब यहां पे करना क्या है कि भाई ए का गुडविल कितना है 48,000 का 3/30 सैक्रिफाइस, बी का 48,000 का 1/30 1600, और सी का 48,000 का 4/30 6400। करते क्या है आप जानते हैं, गेनर को डेबिट करते हैं, तो गेनर कौन है यहां पे सी, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये एंट्री बनती है बच्चों, बनती है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्योंकि सी क्या है यहां पे, सी आपका गेनर है और गेनर को क्या करते हैं हम डेबिट, ए और बी क्या है सैक्रिफाइस, तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट, ये अमाउंट आ गया। अब यहां पे क्या है सीज कैपिटल डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे इधर और लिख देंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, अमाउंट आएगा सी के कॉलम में,
यानी कि 4800 और 1600। इसके बाद ये क्या लिखा है, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल है, यानी ए और बी क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्रेडिट साइड में जाने के बाद लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, यानी कि बाय सीज कैपिटल अमाउंट आएगा ए के कॉलम में 4800 और बी के कॉलम में 1600, ये अमाउंट आप लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, आप टोटल करेंगे ए साइड का जो कि 3,82,800 है, ये यहां पे लिखेंगे और ये बैलेंस आपका 3,82,800 ही आ जाएगा। उसके बाद बी का टोटल करेंगे वो आएगा 2,03,600, वो यहां पे लिख दिया, वही बैलेंस आपका बैलेंस शीट ही बच गया। इसके बाद सी का टोटल करेंगे वो है 1,26,000 में से आप ये दोनों पॉइंट माइनस करोगे और माइनस करने के बाद आता है 1,19,600। तो ये आपका बनता है यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट कि किस तरीके से आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर हुआ। सबसे पहले आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर 1,85,000 कैसे आया, लायबिलिटीज में जो क्रेडिटर आपके लिखे हुए हैं वो 2,00,000 है, और उस 2,00,000 में से 15,000 कम हो गए, तो 15,000 को कम करने के बाद 1,85,000 आ गई। उसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व 1,20,000, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने यहां पर, तो वो आएगा नहीं। तीसरा पॉइंट है कैपिटल, कैपिटल जो ये लिखी जाएगी, जो आप देख रहे हैं एबीसी की कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट से लिखने हैं आपको, यहां से, यानी कि 382,800, 2,03,600, 1,19,600, वो यहां पर आ गए। उसके बाद लायबिलिटीज के पॉइंट पूरे होते हैं। अब आते हैं एसेट साइड में, एसेट साइड में सबसे पहला पॉइंट है प्रीमिसेस जो दिया 3,00,000, और 3,00,000 में आपका इंक्रीज हुआ 30,000, तो 30,000 को प्लस करने के बाद आता है 3,30,000, वो यहां पर लिख दिया। दूसरा पॉइंट है मशीनरी, मशीनरी है 1,80,000, 1,80,000, उसमें से हमें माइनस करना होगा 9,000 की मशीनरी, 9,000 की कम हो गई थी, तो 1,80,000 में से 9,000 माइनस करने के बाद 1,71,000 आ गया। उसके बाद स्टॉक है 1,30,000 कैसे आया, स्टॉक हमारा पहले 1,20,000 था, उसमें 10,000 ये वाला इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के बाद वो बन जाता है 1,30,000। इसके बाद क्वेश्चन आपके डेटर्स दिए हैं 2,50,000 के, 2,50,000 में से हमारा 10,000 जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कम हो गया, तो इसे माइनस करने के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को माइनस करने के बाद बचता है 2,40,000। और लास्ट पॉइंट है बैंक 20,000, तो वो भी आपके एसेट साइड में आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बैलेंस शीट, और ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ आपका।